वालेकुम सलाम, कैसे आप सब? आप लोग कबार? हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सो अभी मैंने शाम का वक्त हो गया है, अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और ये नाभ्या का देखो पूरे घर में खिलौने ना ऐसे खेल के रखा हुआ है और वो ये नाभ्या। तो आज हमारे घर में बन रही है मिठाई और यहाँ पर मैंने दाल कर ली है और वहाँ पर चाय भी हो गई है। छह अंडे हैं और ये अंडे की मिठाई है। इसको हम लोग अपनी जबान में तो मैसू बोलते हैं, इसको अंडे का हलवा बोल दो या अंडे की मिठाई, हम तो इसको अपनी जबान में मैसू बोलते हैं, जो सर्दियों में ही मिठाई बनती है। और इसमें ये चीनी जा रही है और इसमें ये चीनी गई है, छह अंडे हैं और इसमें चीनी गई है एक कप, जो एक प्याली थी ना छोटी सी जो आपने देखी वही एक प्याली डाली है। और यहाँ दाल हो गई है, चाय भी हो गई है, अभी पीने के लिए आ जाइए आप सब। और यहाँ अंडे की मिठाई तैयार हो रही है और इसमें दूध भी जाएगा, वो भी मैं दिखा रही हूँ, ये रहा दूध, इसमें दूध भी जाएगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से फेंटना है। तो फ्रेंड्स इसको तब तक इसको चलाते रहना है, अच्छी तरह फेंटना है कि इसमें जो चीनी गई है ना वो चीनी पूरी मिक्स हो जाए, बिल्कुल गल जाए चीनी, वरना चीनी अगर रह जाएगी तो सही नहीं रहेगा ना, तो इसलिए इसको फेंटना ज़्यादा पड़ता है। तो अभी इसको फेंटते हैं। तो अभी इसको हमने यहाँ पर रख दिया है साइड पे, क्योंकि हमारी चाय हो गई थी तो हमने पहले चाय पीनी है। आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। और अभी चाय बिस्किट खाने का टाइम हो गया है, शाम का टाइम है, तो अभी इसको साइड पे क्या हुआ है और ना भी वो मोबाइल देख रही है। तो यहाँ पर मैंने दाल जो थी वो सारे मसाले इसमें डाल दिए थे। वैसे तो ये दाल की रेसिपी नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं अब व्लॉग बना रही हूँ तो व्लॉग में मैंने कहा ये बता दूँ कि मैंने आज क्या हमारे घर में क्या बना है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल वगार के लिए, वगार डालना है तो इसमें ऑयल डालेंगे। और क्या कहते हैं, दाल में आलू भी डाल दिए थे और क्या कहते हैं, क्योंकि चाय पीनी थी तो इस वजह से अंडे को हमने यहाँ कर दिया एक साइड, तो इसको बाद में देखेंगे, पहले हम वगार डालते हैं। तो चलिए फिर इसमें डालते हैं पहले ज़ीरा। अजान हो रही है, नाभ्या को देखो, हाँ नाभ्या को देखो, वैसे तो इसमें कड़ी पत्ता भी जाता है, कड़ी पत्ता है नहीं तो भी काम चला लेते हैं इससे ही, लहसुन से और चीज़ से मिर्ची से। और ये निकल गया, फिर भी नहीं निकल रहा, निकल निकल निकल। हो गया, दिमाग को तंग कर रही है कि मुझे दो, मैं बना रही हूँ मुझे दो।
डाल देती हूँ इसमें है, इसको डालती हूँ मैं। और अनाभी बना रही है, अनाभी आराम से बिल्कुल स्लोली सिलो। अब इसमें घी जा रहा है, तो ये घी ठंडा है, इसमें ये जाएगा, ठीक है, ये ठंडे घी में जो चला जाएगा, चूल्हा बंद है अभी, और ये ठंडा घी इसमें चला गया और अजान आ रही है। अब गैस को चालू कर दिया है, तो अब इसको अच्छी तरह हिलाते ही रहना है, हिलाते ही रहना है ना। और रोहन मेरे पास, ये रोहन कहाँ है, रोहन ये रहा मम्मा की गोदी में, मम्मा की गोदी में ना, भी वहाँ पानी पी रही है। बस इसको चलाते ही रहना है, चलाते ही रहना है, बस हलवा हो या मिठाई हो उसमें मेहनत यही होती है कि बस उसको भूनना अच्छा से होता है, बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है उसको, ताकि वो चिपके भी ना, और बस उसको है ना। रोहन हंस रहे है ना कि मोमो बातें कर रही है, मोमो किसी बातें कर रही है जी, और इसको इतना चलाना है कि इसमें जो ये अंडे है ना, इसमें इसकी गुटलियाँ ना हो, हाँ बिल्कुल एक साथ ही इसका जो वो बन जाए, लेकिन इसमें गुटलियाँ ना हो, तो इसको अच्छी तरह से इसको बस भूनना ही है, इतना ज़्यादा कुछ होता ही नहीं, मेहनत होती है तो सिर्फ इसको चलाने की होती है, बस इसको अच्छी तरह भूनना पड़ता है, ताकि ये जो है बर्तन में लगे ना और ये चिपके भी ना, उसको हिलाते ही रहना है, हिलाते रहना है। इसकी आंच थोड़ी सी स्लो कर दी है ताकि चिपके ना, और इसमें थोड़ा और घी जाएगा, इसमें घी जाता है सही का, क्योंकि हलवा है, तो अब इसमें ये घी चला गया है, और अब इसको और भी चलाना है, और भी भूनना है, अच्छी तरह भूनना बिल्कुल, ठीक है। देखें अभी आप लोग इसको इतना भूनना है कि इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा, अभी भी इसको अच्छी तरह भूनना है। और ये देखें आप लोग कितनी मेहनत होती है इसमें, बस इसको चलाते रहना है ताकि ये बर्तन में लगे ना, और इसका कलर जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। को इतना भूनना है, इतना चलाना है, चलाना है कि जो घी है ना ये घी छोड़ देगा, जो अंडे है ना, अंडा और दूध डाला था, तो ये जो घी है ना आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा होगा नहीं, फोकस ऊपर साइड से नज़र आ रहा है, तो ये घी पूरा छोड़ देगा, तब तक के लिए इसको भूनते ही रहना है, भूनते ही रहना है,
क्योंकि इसका कलर भी चेंज होना है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। तो अभी इसको अभी भी चलाते हैं, चलाते रहना है। इसमें ज़्यादा मेहनत यही होती है कि इसको बस अच्छी तरह बस चलाते ही रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी बस इसका कलर चेंज होने ही वाला है, कैमरे में नहीं लग रहा लेकिन देखने में तो कलर चेंज हो ही रहा है, तो थोड़ी देर में ये भी हो जाएगा। तो अगर आज की छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और शेयर भी ज़रूर करना है, ठीक है। और याना में बोलते मेरा दिखो, आज देख सकते हैं, आज मैं मदरसे जाऊंगी, ये मदरसे ट्यूशन जाएगी, ट्यूशन ट्यूशन जाएगी ना नबिया। तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो अभी से मैं कह नहीं रहा था कि मेरी वीडियो अगर स्टॉप हो जाती है फिर बंद हो जाती, तो मैंने तो अभी इसका कलर चेंज होना है, तो अब ये होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वैसे इसका कलर चेंज हो गया है, कैमरे में ये लाइटिंग की वजह से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट तैयार हो गई है मिठाई जो सर्दियों में खाते हैं। अब इसको इसमें एक बर्तन में डाल के इसको एकदम अच्छे से इसको वो करके ठंडा करके अब ये तैयार हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वैसे तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अनाबिया छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।